गुड आफ्टरनून बेटा, अपना वीडियो ऑन रखिए। हाँ अमन, अनिष्का यादव, रचित, ओके अनिष्का इज ऑन नाउ। रचित बेटा ऑन करिए, अपना वीडियो ऑन रखिए। वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग, देन वी विल स्टार्ट। ओके प्रियांशी, प्रशांत, अमन, ओके लेट अदर्स ज्वाइन इन द मीन टाइम। तो आज हम क्या शुरू करेंगे, वी हैव कंप्लीटेड अ कोर्स, राइट? दैट्स अ गुड न्यूज, राइट? सो वी हैव इन गुड टाइम वी हैव कंप्लीटेड अ कोर्स व्हिच इज वेरी वेरी गुड, दैट गिव्स अस प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिवाइज। ओके एंड मैथमेटिक्स मोर देन एनी अदर सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके And the more the number of questions you do, the better will be your performance. Okay? तो हमको क्या करेंगे, अब हम एक एक चैप्टर लेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्लास में, और सीखने का एक ही तरीका है। देखिए यहाँ पे आप सुनेंगे तो बहुत कम सीख पाएंगे, आपको जो पहले आपने किया है वो ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि ये तो प्रैक्टिस सेशंस है, ठीक है, इसमें हमें कुछ देखा जाए, अब आपको पढ़ाना तो है नहीं, पढ़ाया तो सब जा चुका है, तो ये तो प्रैक्टिस सेशंस है, इनमें आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और ये क्वेश्चंस साथ में करिए, या पहले कर लेते हैं तो बहुत खूब है, लेकिन अगर आपने पहले नहीं भी किए हुए हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप साथ में करिए। ओके एंड दैट इज हाउ यू विल गेट अ गुड प्रैक्टिस। ओके so let's start doing it. okay Nupur, sir ye revision ho raha hai na? ha ha revision hai abhi ye. okay so we will do enough questions so that aapka acche se practice ho jaye sir, right sir? hum par shuru ke 6 chapter nahi aate, शुरू के 6 चैप्टर्स नहीं आते हैं आपको? हाँ कोई बात नहीं, वो तो अभी तो हमारे पास बहुत समय है, केवल एक बार रिवीजन नहीं करना है हमको, बोर्ड के एग्जाम के लिए वी शुड डू रिवीजन एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, ठीक है ना? तो वो कोई, अभी हमारे पास बहुत समय है, अभी तो हम मिडिल ऑफ द ईयर को क्रॉस किया है हमने, समझ लीजिए अभी अभी तो आपने इसी कुछ ही समय पहले तो आप अपने हाफ ईयरलीज लिख रहे थे, राइट? सो इन द लास्ट 1 month वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड एंड नाउ इट्स टाइम टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके सो लेट्स डू दैट। ओके द अटेंडेंस समहाउ इज वेरी लो, ओके व्हिच इज नॉट वेरी एनकरेजिंग, आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट ज्वाइनिंग। 10th में अटेंडेंस फिर भी अच्छा था, लेकिन अभी देखिए आज केवल 12 स्टूडेंट्स हैं, दैट इज वेरी वेरी लो। ओके दिस इज अ कंबाइंड सेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, राइट? फॉर दैट इट इज अ स्मॉल अटेंडेंस, वी एंश्योर दैट यू जॉइन। इफ यू टॉक टू योर फ्रेंड्स टेल देम दैट दे शुड जॉइन, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल।
right? So let's do some questions from the first chapter. For some integer m, every even integer is of the form 2m, right? So now looks like a pretty simple question, right? Every integer is of the form 2m, right? It actually comes straight from the fact that, you know, there is no remainder, you know, after we divide by 2, right? So for some integer q, every odd number is of the form 2q plus 1, right? Now this is the way that whenever in any other topic, right? This is the first chapter, but in any other topic, when we have to choose an odd number, okay, we always choose it like this. Because once we write a number like this, then whatever be the value of q and whatever be the integral value of q, okay, this number turns out to be a odd number. So this, while this is just a question, लेकिन हम ये देखेंगे कि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है? तो कभी भी हमें कहीं पे ऑड मल्टीपल्स दिखाने होते हैं या कुछ, तो हम हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं, राइट? और धीरे धीरे ये एक सेकेंड नेचर बन जाती है कि ऑड नंबर मतलब 2q+1 या 2n+1, राइट? तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. N square minus 1 is divisible by 8 if n is sorry, कौन सी exercise का question है? ये first exercise. First में तो अलग दे रखा है सर, ये book नॉर्मल एनजीटी. हाँ, ये अलग questions हैं. Okay sir. Questions अलग हैं, concepts वही लगेंगे. तो n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इवन इंटीजर. हाँ, तो कैसे करेंगे ये? किस तरह करेंगे? सर इवन नंबर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. हाँ, यस, इस वजह से ही वन. हाँ, तो लेकिन हम तो 8 से डिवाइड पूछ रहे हैं ना, 2 से तो पूछ रहे हैं ना. चाहिए सर, अगर इवन होगा तो उसमें सर, अगर माइनस होगा क्योंकि अगर हम एक माइनस करेंगे उसके स्क्वायर में तो वो जीरो हो जाएगा ना. हाँ, फॉर एज एन एग्जांपल हमने 3 ले लिया, n इज इक्वल्स टू 3, 3 इज ए ऑड नंबर, सो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 एंड 8 इज डिविजिबल बाय 8. यस, एंड वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ n हियर, एनी ऑफ द ऑड नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 8, दैट इज श्योरली डिविजिबल बाय 8. व्हाई इज इट श्योरली डिविजिबल बाय 8? तो पहली चीज तो ये हमें समझ आ गई कि अगर n इवन होता है, राइट, तो n स्क्वायर भी इवन होगा. अगर n स्क्वायर इवन है तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड नंबर बनेगा. ऑड नंबर तो कभी भी डिविजिबल बाय 8 होना ही नहीं है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि ये तो गलत आंसर है ही, राइट? दिस इज डेफिनेटली नॉट ट्रू. अगर ये सच नहीं है तो कोई जनरल इंटीजर भी नहीं है, क्योंकि जब इवन नहीं है तो सारे इंटीजर कैसे हो सकते हैं, और नेचुरल भी नहीं हो सकते. तो आंसर तो यही होना चाहिए, एन ऑड इंटीजर. लेकिन ऑड है तो हम कैसे प्रूफ कैसे करें? अगर क्वेश्चन बस इतना आया है एग्जाम, राइट, एक नंबर का सवाल है, तो हम इस लॉजिक से इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, द मेथड ऑफ एलिमिनेशन. राइट, हमने एलिमिनेट कर दिए कि ये सब गलत आंसर्स हैं और हमारा सही आंसर यही होना चाहिए फिर, राइट?
तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन केवल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आता है तो हम इसको इस तरह से फटाफट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए दो नंबर तीन नंबर का क्वेश्चन है और हमसे पूछा भी गया कि क्या ये हमेशा डिविजिबल बाय एट होगा अगर ये ऑड नंबर है, क्या ये ऑड नंबर होगा तो डिविजिबल बाय एट हमेशा होगा, ये कैसे प्रूव करेंगे? किस तरह कर सकते हैं हम? देखिए अब हम इसको देख रहे हैं कि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है n, n इज एन ऑड नंबर, तो इसका मतलब n किस फॉर्म में है, n इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ये होते हैं ऑड नंबर की फॉर्म, राइट? ओके, every odd integer is of the form 2q plus 1, right? ये हमने आंसर निकाला था ना अभी। तो कोई भी नंबर odd है तो ये ऐसा होगा, right? तो अब हम लिख लेते हैं n square minus 1 is equal to 2m plus 1 whole square minus 1, which is 4 m square plus 4m plus 1 minus 1, right, which is 4m square plus 4m. ठीक है, which is equal to 4m into m plus 1. ठीक है, तो ये जो नंबर है ये है n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4m इनटू m प्लस 1, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल बाय 4 तो है ही, राइट? क्योंकि 4 तो आ ही गया यहां पे, क्लियर। लेकिन ये डिविजिबल बाय 2 क्यों है? 4 के साथ 2 से भी एक बार और होना चाहिए ना डिविजिबल, 8 तो तभी बनेगा। यानी कि सो वी कैन से 4m m plus 1 इज डिविजिबल बाय 4, ये तो क्लियर। सर आप क्वेश्चन करवाओ, अभी नहीं चल रही एक्सरसाइज 1.1 4.1 into, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 4। अब हमें क्या पता करना रह गया, ये तो क्लियर है लेकिन हमें तो 8 से डिविजिबिलिटी निकालनी है, तो हमें ये निकालना है कि m into m plus 1 इज दिस डिविजिबल बाय 2, ये कैसे पता करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है? अगर वो प्रूव कर दिया तो हमारी कहानी हो गई, राइट? सर सबके कैमरे ऑफ हैं। बेटा कैमरे ऑन कर लीजिए, शुरू में ऑन भी किए थे आपने फिर बंद कर दिए, ऐसा क्यों करते हैं? आपको कोई प्रॉब्लम है कैमरा ऑन रखने में तो आप वो बताइए कि क्यों नहीं रखना चाहते हैं ऑन, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट? कि उसमें टाइम हमारा ही वेस्ट हो रहा है, आपका वेस्ट हो रहा है, राइट? कि हम बार बार एक चीज आपको रिमाइंड कराएं, बस कैमरा ऑन रखिए, छोड़ दीजिए। यहाँ तो बस कैमरा ऑन है, क्लास में आप आते हैं वहां तो हर समय यू आर विजिबल टू द टीचर ना ऑल द टाइम एंड यू आर कंफर्टेबल विद दैट, तो आप इतने शाय तो नहीं हो सकते, राइट? सो कीप द कैमरा ऑन, है ना? हम तो पढ़ाने में ज्यादा बिजी हैं, आपका कैमरे में तो हम देख भी नहीं रहे, राइट? आप उसको ऑन रखिए, लेकिन वो जरूरी है, जब हम देखना चाहे तो देख तो सके कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास, प्लीज कीप इट ऑन। आदित्य नागर, अजय कसाना, अमन, रुद्र प्रताप शर्मा,
ओके ऑन रख निहाल का तो ऑन है कैमरा ठीक है ओके अब हमारे लिए प्रॉब्लम रिड्यूस होके क्या रह गई हमें ये पता लगाना रह गया कि m into m plus 1 जो है वो divisible by 2 है ये कैसे पता लगाएं अब ये बता दी अगर आपने ये बता दिया तो मैं समझूंगा आपने पूरा क्वेश्चन कर कि m क्वेश्चन हमारा सॉल्व होके यहाँ आ गया है कि m m plus 1 is divisible by 2 ये कैसे प्रूव करेंगे आप ये कैसे प्रूव करेंगे बताइए बताइए कोई एनीबॉडी कैन गेस देखिए ये हम इस m into m plus 1 divisible by 2 ही प्रूव करना रह गया ना हमारा फोर तो फैक्टर निकाल ही लिया हमने अब हम ये कैसे कह सकते हैं अगर हम ये भी प्रूव कर दें कि ये जो क्वांटिटी है ये डिविजिबल बाय 2 है तो इसका मतलब पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8 था ना ये कैसे प्रूव करेंगे कि m into m plus 1 is always divisible by 2 यहाँ पे तो हम कोई कॉमन फैक्टर 2 निकाल नहीं पा रहे हैं बाहर वरना हमारा सबसे कॉमन तरीका क्या होता है कि हम वो कॉमन फैक्टर बाहर निकाल के दिखा दें तब तो प्रूव हो ही जाता है डिविजिबिलिटी बिना किसी संशय के लेकिन यहाँ पे हमें कठिनाई ये है कि हमारे पास 2 एक कॉमन फैक्टर आया नहीं है अब हम ये कैसे आर्ग्यू करें कि m into m plus 1 is divisible by 2 any ideas सबसे पहले हाँ बोलिए m common नहीं m common कैसे ले लें हम इसमें m तो common आएगा नहीं आ ही चुका है जो common आना था ये आ गया है m plus 1 are multiply and the multiplication of any two numbers is always an even number Multiplication of any two consecutive numbers is an even number, you are saying, right? So any two consecutive or any two numbers? Nahin, any two numbers need not be even, right? Because dekhiye, 3 into 5 is 15, it's not even. So, but they are consecutive, consecutive. Consecutive mein even hota hai, obviously. इसीलिए हम ये प्रूफ कर पाएंगे हमें आंसर तो पता चल ही चुका है ऑलरेडी आंसर यही है राइट आंसर हमें एलिमिनेशन से बिना मेहनत करे हम निकाल चुके हैं कि n square minus 1 is divisible by 8 if n is an odd integer ये हम एलिमिनेशन से आंसर निकाल चुके हैं अगर क्वेश्चन एक मार्क का है वर्किंग नहीं दिखानी है तो एलिमिनेशन इज द वे टू डू दिस प्रॉब्लम ठीक है तो जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमने एक सीधा सीधा आंसर सी मार्क करके आगे बढ़ जाना है लेकिन मान के चलिए क्वेश्चन 3 नंबर का आया हुआ है तब तो हमें वर्किंग दिखानी पड़ेगी ना राइट तो मैं केवल वो वर्किंग दिखाने को के लिए आपको कह रहा हूं कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन डिविजिबल बाय 2 होता है लेकिन कैसे प्रूफ करेंगे आप इसको बिल्कुल सच बात है होता है प्रूफ कैसे करेंगे देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स को और इस चैप्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को प्रूफ करने का एक तरीका ये होता है कि आप उसको केसेस में स्प्लिट करते हैं ठीक है अब हम M को पकड़ लेते हैं तो M के केवल दो ही विकल्प हैं दो ही ऑप्शंस हैं क्या है कि M कैन बी इवन एंड कैन बी ऑड और तो कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है राइट देयर इज नो अदर वे राइट ये हम एग्री करते हैं तो अब हम लेके चलते हैं केस ये हो गया हमारा केस वन
और ये हो गया हमारा केस टू। अगर हम ये प्रूव कर सके कि केस वन में भी ये डिविजिबल बाय टू है और केस टू में भी डिविजिबल बाय टू है, तो हमने सब केसेस में प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस अप्रोच को बोलते हैं स्प्लिटिंग योर प्रॉब्लम इनटू मैनेजेबल पीसेस। ठीक है, तो लेकिन ये पीसेस ऐसे होने चाहिए कि हम आर्ग्यू कर सके कि इन पीसेस को वापस जोड़ने से प्रॉब्लम पूरी बन जाती है, जो बन जाती है एनी नंबर, एनी होल नंबर, एनी इंटीजर कैन आइदर बी इवन और ऑड, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, इवन जीरो इज अ इवन नंबर, तो हम जीरो को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इसमें सब कुछ कवर्ड है हमारा, राइट। तो अब केस वन है, अगर m, इफ m इज इवन देन m प्लस वन इज ऑड, राइट, एंड ऑड इनटू इवन हो गया नंबर, राइट, और इवन नंबर जो होता है वो डिविजिबल बाय टू होता है, तो इसका मतलब ये नंबर इस केस में डिविजिबल बाय टू, राइट। अब केस टू है, केस टू में m इज ऑड, सो m प्लस वन हैज टू बी इवन, ऑड नंबर में वन ऐड करने से इवन आता है ना, ये तो बेसिक है, राइट, उसको हम कभी प्रूव नहीं करते, वो तो बेसिक ही है हमारे लिए, ठीक है ना, ऑड नंबर में हम वन ऐड करते हैं तो इवन आता है, प्रूवेबल है वो, ऐसा नहीं है कि प्रूवेबल नहीं है, लेकिन इस स्टेज पे हम उसको एज एन ऑब्वियस फैक्ट लिख सकते हैं कि m प्लस वन हैज टू बी इवन नाउ, तो नाउ m प्लस वन इज इवन, सो m विच इज ऑड इन टू एन इवन नंबर इज इवन, सॉरी इज इवन, तो हमने दोनों केसेस में प्रूव कर दिया कि m इंटू एम प्लस वन इज इवन नंबर, एंड बाय डेफिनेशन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू। ओके, तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया था कि फोर तो कॉमन फैक्टर है ही, प्लस इस नंबर को भी हमने प्रूव कर दिया कि ये डिविजिबल बाय टू है, यानी पूरा नंबर n स्क्वायर माइनस वन डिविजिबल बाय एट। ठीक है, तो स्लाइटली लॉन्गिश प्रूफ है बट नॉट वेरी लॉन्ग प्रूफ। ओके, बट दिस प्रूफ इज अ वेरी वेरी गुड प्रूफ, इसी बेसिस पे हम बहुत सारे प्रूफ्स कर ली ज्वाइन। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते, इफ द एचसीएफ ऑफ 65, ग्रेट, कर लो क्लास ज्वाइन। निहाल, व्हाट आर यू सेइंग, बेटा किससे बात कर रहे हो? इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m माइनस 117, then the value of m is, okay, to jo hcf hai 65 ka aur 117 ka usko hum is form mein likh sakte hain, to m ki kya value hogi? How will we do this? सर इसका आंसर आएगा 2। ओके, ओके, कैसे आएगा बताइए, so first we have to find the hcf of 65 and 117 and then equate it to the given equation, given polynomial sentence that 65 and minus 117 expression, the word is expression, equate it to the given expression, very good, yes, very good, okay, तो इसका हम HCF निकालेंगे। किस तरह निकालते हैं? हम HCF निकालने के हमारे पास दो मेथड्स, राइट,
एक मेथड क्या होता है कि हम इनको रिपीटेडली कॉमन फैक्टर्स से डिवाइड करते हैं जब तक कि कॉमन फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, राइट, विच इज वेरी गुड फॉर नंबर्स जहां पे फैक्टर्स आर इजी टू फाइंड, ओके, उसमें वो मेथड बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर केवल दो ही नंबर्स हैं तो हमने जो डिविजन लीमा है उससे भी हम एचसीएफ निकाल सकते, ठीक है। तो डिवीजन लीमा से एचसीएफ निकालना आता है आप लोगों को? नो सर। यस सर। देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। आप छोटा नंबर यहाँ लिखिए, सॉरी, छोटा नंबर यहाँ लिखिए और बड़ा नंबर, बड़ा नंबर यहाँ, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे इसके बाद? पैंसठ दूनी, ठीक है। तो हाँ, तो सर, अब 65 में 65 डिवीजन करेंगे, एक से ही जाएगा ये, राइट? यस सर, दो तो ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, 52 आ गया है। यस सर। अब जो नंबर यहाँ था उसको हम यहाँ ले आएंगे, 65, ठीक है। तो ये 1 से ही जाएगा, क्लियर है? 52 आ जाएगा, 13 13 आ गया, यस सर, राइट। अब हम इसको यहाँ ले आएंगे, सर 2 जा चला जाएगा, 2 से 4 जा, 4 जा, 4 से जाएगा, राइट, यस सर, यस सर, आ गया। तो ये 0 हो गया। तो इसका मतलब जिस डिवीजन से हमें अगर 0 मिलता है आखिरी, राइट सर, तो हाँ बोलिए सर, दो तरीके से निकाल सकते हैं HCF? हाँ, yes, sir. तो ये जो हमारे पास आया 13, जो जिससे हम लास्ट डिवीजन करते हैं, वो हमारा HCF, ठीक है। तो जब नंबर्स बड़े होते हैं जिनकी फैक्टराइजेशन मुश्किल होती है उसमें ये मेथड बहुत इफेक्टिव है, ओके, लेकिन सर इसका आंसर 4 आया ना? नहीं, इसका आंसर 13 है, कहते हैं वो होता है 13 इसका आंसर? हाँ, 13 इसका HCF, ठीक है। तो 13 आ गया, यस सर, राइट। अब ये कह रहे हैं कि इफ the HCF of this and this is expressible in the form this, right? Expression. Then the value of M is. तो इसका मतलब HCF तो है 13, highest common factor. तो ये इस expression के equal है. यही तो लिखा गया है. Minus 117 is equal to 13. राइट, इसका मतलब 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117 इज इक्वल टू 130, सो m इज इक्वल टू 2, 130 अपॉन 65 व्हिच इज 2, सर ये 130 कहां से आ गया? 13 प्लस 117, तेरह प्लस 117 130 ही तो हुए, yes, sir, हो गया, हो गया, है ना? तो M is equal to 2 आ गया, right? Which is B, answer B. सर हमने सही बताया था ना, answer 2? हाँ, answer 2 था, ठीक है। लेकिन कैसे किया मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए यही सवाल तो आना नहीं है ना एग्जाम में, मैथ्स में आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मेथड है, राइट? मेथड आपका सही है, वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो ये जो है m इज इक्वल टू 2 आ गया। आप HCF जो है वो जो स्टैंडर्ड हमारा तरीका होता है कॉमन फैक्टर्स निकाल के, आप उस तरह भी निकाल सकते हैं। यूजली बिगर नंबर्स के लिए द डिविजन लीमा इज अ बेटर वे ऑफ फाइंडिंग द HCF, it's faster. लेकिन अगर आपको उसके factors easily पता है, तो आप आराम से कर सकते, कोई बड़ी बात, ठीक है?
फिर आप अपने पुराने तरीके से भी कर सकते हैं, कोई उससे तरीका कौन सा है उससे कोई फर्क नहीं. द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली इज. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ही अच्छा. द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली इज. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? Largest number which divides 70 and 25 leaving remainder 5 and 8 respectively. Yes. बेटा सब लोग ट्राई करिए, है ना, मैथ्स आप करके ही सीखेंगे, है ना, देखने से खाली नहीं सीख पाएंगे. प्लीज सब ट्राई करिए, दिमाग दौड़ाइए अपना. आंसर आ गया 875. क्या आया आंसर? 875 आया आंसर. सर 13. 875 कैसे आ सकता है आंसर? मुझे सर 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 13 आ रहा है क्या? पता नहीं है, आंसर नहीं पता मुझे. लेकिन देखिए 870 लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, ये नंबर्स तो दिए हुए हैं. ये तो हो 65 राइट, ये नंबर 65. हाँ ठीक है, तो 65 फिर भी हो सकता है, चांसेस है, वैसे है नहीं क्योंकि देखिए 13. मैं आपको एक चीज बता दूं, एक तो है 13 कैसे आ गया. हाँ एक सर 70 में से. हाँ एक मिनट रुकिए, मुझे बोलने दीजिए. ठीक है देखिए, अभी पहले ना आंसर निकाल ले, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जहां पे जिस एग्जाम में वर्किंग नहीं दिखानी होती, जैसे आगे चल के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करते हैं उनमें वर्किंग नहीं दिखानी होती, तो हमें क्वेश्चन दोनों तरह से करना आना चाहिए, कि एक तो फटाफट आंसर निकाल लो, और एक है कि सही तरीके से वर्किंग दिखा के करना. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें ना पहले हम अपना तिगड़म लगाकर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो तिगड़म लगाइए. देखिए ये 875 और 1750 तो हो ही नहीं सकते राइट, क्योंकि ये तो इनसे भी बड़े हैं, ये डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 70 आएगा, सवाल ही नहीं होता कि 5 या 8 आ जाए. तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत है, छोड़ दो इनको. अब 65 को भी चेक कर लीजिए, इसमें रिमाइंडर 5 आता है, बिल्कुल सही, लेकिन इस केस में क्या आता है रिमाइंडर? 60 आता है, 8 तो नहीं आ रहा है राइट, तो ये भी गलत है. तो आंसर तो 13 ही है, और आप फटाफट चेक कर सकते हैं 13 इंटू, इसको डिवाइड करिए 5 रिमाइंडर आता है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 13 को तो 117, और 117 को माइनस किया आपको 8 आ गया रिमाइंडर. तो ये तो आप फटाफट चेक करके 20 से 25 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका हो गया राइट. लेकिन हम सीख रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम पता करें कि ये क्वेश्चन कैसे होगा. तो तरीका क्या है पता करें? देखिए सर, हाँ देखिए, अब एक नंबर है, मान लीजिए आंसर इज एक्स, मान लीजिए आंसर इज एक्स. अगर मैं एक्स 70 डिवाइड करता हूं, ठीक है, एक्स से 70 को डिवाइड करता हूं, तो मुझे कोई तो क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा बताइए? इसने दिया 5 आना चाहिए, 5. ठीक है, उसी तरीके से अगर 5 कैसे आ गया?
यही तो लिखा है कि रिमाइंडर 5 आता है उस नंबर से डिवाइड करने में, राइट? सर यस सर यस सर, ठीक है ना? तो समथिंग इनटू एक्स प्लस 5 है, और ये जो है अगर मैं 125 से एक्स को डिवाइड करता हूँ तो एक्स इनटू कोई क्वेश्चंट आएगा और रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना? राइट तो इसका मतलब yes, क्या है कि अगर मैं 70 में से 5 पहले ही घटा दूं, 65, ठीक है ना? तो अगर मैं 70 में से 5 पहले ही घटा दूं, ठीक है, तो वो नंबर फुली डिविजिबल होना चाहिए, यानी 65 फुली डिविजिबल होना चाहिए, राइट? तभी तो रिमाइंडर 5 बचा था। उसी में से 8 को घटा दीजिए, 117 should also be divisible by that number. Yes, sir. ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि एक सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए जिससे 65 भी डिविजिबल है और 117 भी डिविजिबल है। इसका मतलब इन दोनों का HCF. Then we will find HCF. ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का HCF ढूंढिए। तो ये problem, क्या बोला आपने, क्या बोला निहाल? ओके, तो इन दोनों का इसका मतलब ये हुआ कि 65 और 117 का HCF निकालना है, बस क्वेश्चन ये हो गया। अब HCF आपको कैसे निकालना है? डिवीजन लीमा से निकाल लीजिए। अगर डिवीजन लीमा बाय चांस आपको नहीं आती है तो आपके पुराना तरीका तो है ही निकालने का, राइट? पुराने तरीके से करके देख लेते हैं अब हम। 117, ठीक है, तो किससे डिवाइड होगा? ये प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखिए, ठीक है ना? 3 से हो रहा है, ना 5 से सब हो रहे हैं, ना 7 से हो रहे हैं, फिर क्या आया? 11 से भी नहीं हो रहे हैं, फिर 13 से हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है ना? तो 13 से कर लीजिए, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया। अब 5 और 9 तो हमें पता ही है कि कोई भी कॉमन फैक्टर होता ही नहीं इनमें, ठीक है? तो यही रुक जाएंगे, केवल यही इसका HCF। तो आंसर आ गया, HCF इज द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड दीज टू नंबर्स, ठीक है ना? तो हमने इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके देखे हैं यहाँ पर, एक कि फटाफट आंसर निकालने का तरीका, और एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ करना। हमें दोनों तरह करना आना चाहिए, जैसी स्थिति हो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो, हम दोनों तरह से उसको कर सकें। ओके, गॉट इट? वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस क्लास। द ओनली थिंग, क्लास पार्टिसिपेशन वॉज गुड टूडे, बट अनफॉर्चुनेटली द अटेंडेंस इज वेरी लो। ओके, तो आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को कहिए कि आए, और ये अर्पण शर्मा और रुद्र प्रताप शर्मा, टिंकू शर्मा जी तो बिना माइक ऑन करे पता नहीं क्या सुन रहे हैं, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन प्लीज ट्राई टू अटेंड क्लासेस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लास। ओके, अटेंड क्लासेस रेगुलरली। ओके, बाय बाय, वी विल टॉक टुमारो नाउ, बाय। टाटा सर जी, टाटा। Bye-bye.